अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। राष्ट्रीय स्वराज पैंथर द्वारा देश के आज़ादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह महज 23 वर्ष की अवस्था में फांसी पर झूल गए, इसलिए उनको याद करने के लिए हम लोग यहाँ उनका भव्य जन्मोत्सव समारोह विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। जहाँ सूरज अस्त नहीं होता है, ऐसे साम्राज्यवाद के खिलाफ भगत सिंह ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया नौजवानों को दिशा का, विचारधारा का, मार्क्सवाद लेनिनवाद का, वो एक बड़े इतिहास की श्रेणी में गिना जाएगा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लाहौर के एक संपन्न सिख परिवार में हुआ था। युवा अवस्था में ही भगत सिंह आजादी की जंग में शामिल हो गए। भगत सिंह जनता में इतने लोकप्रिय थे कि जब भगत सिंह को फांसी देने की बात जनता के सामने आई तो भारत के 2 लाख से अधिक लोगों ने भगत सिंह को फांसी ना देने के लिए अंग्रेजी सरकार से अपील की थी। भगत सिंह जैसे आंदोलन चलाने वाले लोगों की वजह से भारत आजाद हुआ, लेकिन जो हाथ जोड़ करके कुर्सी पर काबिज हो गए उन लोगों को भारत की सरकारों ने बहुत सम्मान दे दिया, लेकिन शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी साथियों को आज तक वो सम्मान नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग आज भारत सरकार से मांग करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शहीद भगत सिंह के विचारों को पढ़ाया जाए और देश के नौजवानों से ये गुजारिश करेंगे कि वो शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने को आगे आएं